بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني ذرية من حملنا مع وقضينا
وعن الهوى إن هو
وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. वहाँ भी दूर हो तुझ
से आए जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। अच्छा मैं क्या हाथ बुलंद करके एक गवाही भी देनी है कि हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। तीसरा और आखिरी शेर वो जहन में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ वो जहन में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। और दो शेर मनकबत पीर साहब के हुक्म के मुताबिक दो शेर मैं पढ़ूंगा मिल के मोहब्बत के साथ जल्दी जल्दी। ख्वाजा खाने आलम ख्वाजा खाने आलम ख्वाजा खाने आलम ख्वाजा खाने आलम सदका गौसे पाक का सदका गौसे पाक का कर दो मेरे ख्वाजा करम ख्वाजा खाने आलम ख्वाजा खाने आलम ख्वाजा खाने आलम आपकी निस्बत का सदका खुश सदा रहता हूँ मैं आपकी निस्बत का सदका खुश सदा रहता हूँ मैं आपकी निस्बत का सदका आपकी निस्बत का सदका दूर है रंजो आलो ख्वाजा खाने आलो ख्वाजा खाने आलम ख्वाजा खाने आ। आखिरी शेर है कि तुझको बुलवाया है खुद ख्वाजा ने अपने उर्स पर तुझको बुलवाया है खुद ख्वाजा ने अपने उर्स पर हो गया नामान तुझ पर हो गया नामान तुझ पर खास ख्वाजा का करम ख्वाजा खाने आलम ख्वाजा खाने आलम ख्वाजा खाने आलम। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनी समात की। आने वाले तमाम मौजूज़ मोहतरम उलमा व मशायख बरादरान इस्लाम को खुश आमदीद कहते हुए खुशी तौर पर जनाब क़िबला हज़रत मौलाना आज़म शाकर साहब गुलियाना से आप भी रौनक अफरोज़ हुए हैं आपको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद है। आइए कुरान हदीस के पैगाम की तरफ चलते हैं और जिस शख्सियत को मैं दावत गुफ्तगू दे रहा हूँ
शकरगढ़ से आपका ताल्लुक, मुल्क पाकिस्तान की एक अजीम जानी मानी इल्मी शख्सियत हैं, अजीम मुबसर, अजीम मुहक्किक, मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा, सरमाया अहले सुन्नत जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहतरम मुकाम किबला प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुजद्दी दामत बरकातुहुल आलिया उर्से पाक की महफिल पाक में आप रौनक अफरोज़ हुए हैं, दिल के गहराइयों से बारे दिगर खुश आमदेद भी, और आपसे गुजारिश है कि अपने खिताब से नवाजा। يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا اشكالنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي وعلى اليك واصحابك يا सैयद अल अंबिया इवल मुरसलीन। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइखे किराम, खुलफाए किराम और हाजरीन व सामईन ज़िवल एहतशाम, अल्लाह पाक का बेहद व बेहिसाब बर शुक्र है कि उसने हमें एक मरतबा फिर इस आस्ताने आलीशान की हाजिरी का मौका अता फरमाया और शरफ अता फरमाया। ये आस्ताना सिलसिला ये नक्शबंदिया मुजद्दिया का अजीम आस्ताना है जिसको अल्लाह पाक ने बर्रे सगीर पाक व हिंद में बड़ा मखसूस मकाम अता फरमाया है। हम सब हजूर ख्वाजा ख्वाजगां, किबला आरिफा, काबा आशिकां, हजरत ख्वाजा खान आलम नक्शबंदी मुजद्दी कुद्दस सिर्रुहुल कवि की बारगाह में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और मशाइख और सामईन की कसीर तादाद रौनक अफरोज़ है। मैं चंद लम्हात में एक पैगाम पेश करना चाहता हूँ। हालात आपके सामने हैं, दौर बहुत पुराशोभ है। हमारे अकीदे पर और हमारे अमल पर शैतानी और तागूती ताकतें हमला आवर हैं। मेरी गुजारिश है कि बात करने से पहले, कोई काम करने से पहले, कोई शेर पढ़ने से पहले, कोई रवैया इख्तियार करने से पहले आप ये सोचें कि इसका फायदा किसको हो रहा है। वाह वाह वाह, सुभान, इसका फायदा किसको हो रहा है। हमारा एक अपना कल्चर है, हमारी एक अपनी तहजीब है, हमारी एक अपनी सिविलाइजेशन है, हमारा एक अपना अंदाज़े हयात है, हमारा एक अपना अकीदा है, अपना मसलक है, अपना मशरब है जो हमें हमारे बुजुर्गों ने अता किया है। हमारे किसी अमल से, किसी रवैये से, किसी काम से, किसी बात से गैर की सहूलतकारी नहीं होनी चाहिए। हमारी महफलों का, हमारे घरों का माहौल बदलता जा रहा है। याद रखें, हम अहले सुन्नत व जमात हैं और
ना हमारा खारजियत के साथ कोई ताल्लुक है, ना राफजियत के साथ कोई ताल्लुक है। बेशक बेशक हम अहले सुन्नत व जमात हैं, और अहले सुन्नत व जमात का ये तुर्रा इम्तियाज है कि वे हुजूर की आल के भी गुलाम हैं, वो हुजूर के असहाब के भी गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और याद रखें, नफ्से नबूवत में सारे नबी बराबर हैं, नफ्से रिसालत में सारे रसूल बराबर हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहद मिन रुसुलि, ये कुरान मजीद का फैसला है। इसी तरह नफ्से कलाम में तमाम आयात बराबर हैं। दोस्तान गिरामी, एक आयत का इनकार किया जाए सारे कुरान का इनकार है, एक रसूल का इनकार किया जाए सारे रसूलों का इनकार है, एक नबी का इनकार किया जाए सारे नबियों का इनकार है। इसी तरह नफ्से सहाबियत में सारे सहाबा बराबर हैं, किसी एक सहाबी का इनकार किया जाए सारे सहाबा का इनकार है। दर्जात अल्लाह ने सबको अता किए हैं, किसी को बहुत ऊंचा दर्जा अता किया, किसी को उससे भी ऊंचा दर्जा अता किया, किसी को उससे भी ऊंचा दर्जा अता किया। नफ्से सहाबियत में सब बराबर हैं। हजरत इमाम मालिक इमाम मुज्तहिद हैं, उनका फतवा है कि जो शख्स हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अनहो का इनकार करता है, ऐसे ही है जैसे उसने अबू बकर सिद्दीक का इनकार किया, ऐसे ही है जैसे उसने उमर फारूक का इनकार किया, ऐसे ही है जैसे उसने उस्मान गनी और मौला अली का इनकार किया, क्योंकि नफ्से सहाबियत में सब सहाबा बराबर हैं। अल्लाह ने बाज को बाज पर दर्जे अता फरमाए हैं। तो दोस्तों निगरामी, अपने रवैये दुरुस्त करें और मोहतात होकर ज़िंदगी गुजारें, किसी की सहूलतकारी मत करें, कोई काम नहीं आएगा, ये आर्जी पैसा चंद दिन का खेल है। बड़े बड़े लोग चले गए, ना ईरान का सरमाया काम आया, ना नजदिस्तान का सरमाया काम आया। अगर दुनिया में काम आएगी तो मदीना शरीफ की खैरात काम आएगी, अगर कब्र में काम आएगी तो मदीना शरीफ की खैरात काम आएगी, अगर हशर में काम आएगी तो मदीना शरीफ की खैरात काम आएगी। खोलो आवाज, खोलो, खोलो। तरीकुन नजाते मुताबियत अहले सुन्नत वल जमा। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तरीकुन नजाते मुताबियत अहले सुन्नत वल जमा फिल अक़वाल वल अफ़आल वल असूल वल फ़ुरू। तेरी नजात का एक ही रास्ता है, दूसरा तीसरा चौथा पंजवा दसवां सवा नहीं, एक ही रास्ता। तरीकुन नजात, तेरी नजात का एक ही रास्ता है के मुताबियत अहले सुन्नत वल जमा, के तू कौल में भी सुन्नी हो जा, तू फेल में भी सुन्नी हो जा, तू फरा में भी सुन्नी हो जा, तू असल में भी सुन्नी हो जा। इज्जत उसी को मिलेगी जो अंदर से भी मुस्तफा का गुलाम है, जो बाहर से भी मुस्तफा का गुलाम है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। पैसा ना देखे, पैसा बड़े बड़े लोगों के पास है, किसी के काम नहीं आया। ये नोट, ये वेले, ये नारे, हर चीज आरजी है, असल चीज अकीदा है। दोस्तों निगरामी, जिक्र अली हमारा कभी मसला नहीं रहा। 1400 साल से सुन्नी अली अली कर रहे हैं, करते रहेंगे। जिक्र अली हमारा मसला नहीं। मसला क्या है कि जिक्र अली की आड़ में जिक्र सहाबा को नजरअंदाज करना, जिक्र अली की आड़ में जिक्र सदीक अकबर को नजरअंदाज करना, जिक्र फरूक आजम को नजरअंदाज करना। अरे तुम सारी रात अली अली करो, जो रोके वो बेईमान, जो टोके वो काफिर और मुनाफिक, करो जिक्र अली। लेकिन एक मर्तबा ये कह दो, अगर अली की ये शान है तो उसकी कितनी शान होगी जिसके पीछे अली ने नमाज भी पढ़ी है, जिसके हाथ पर अली ने बैत भी की। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बताना जरूरी है, नबी की आल का भी एहतराम, नबी के असहाब का भी एहतराम। जो सुन्नी है वो बेअदब नहीं हो सकता, जो बेअदब है वो सुन्नी नहीं हो सकता।
अल्लाह ने हमें बेअदबों में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें मुस्तफा के गुलामों में पैदा किया। तो दोस्तानी गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा बताज़ा अल्लाह ताला ने सफ़र हरमैन की सआदत अता फरमाई। तो सफ़र के असरात मेरी तबीयत पर आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तफा करता हूँ। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलागुल। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकायद की इस्लाह के हवाले से बड़ा फिक्रंगेज पैगाम जो है वो दे रहे थे जनाब किबला प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब मुजद्दी। आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि उम्मती वो हैं जो आका से वफा करते हैं, नामे सरकार पे जाने भी फिदा करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी नज़र जनाब, उम्मती वो हैं जो आका से वफा करते हैं, नामे सरकार पे जाने भी फिदा करते हैं। अपनी माएँ हैं सब अजवाजे नबी हमदिल्ला, अपनी माएँ हैं सब अजवाजे नबी हमदिल्ला, जन्नती हैं सभी असहाब सदा करते हैं, जन्नती हैं सभी असहाब सदा करते हैं, और सारी औलाद ही आका को है प्यारी। लोगों बड़े बदबخت हैं जो इनको जुदा करते हैं, सारी औलाद ही आका को है प्यारी। लोगों बड़े बदबخت हैं जो इनको जुदा करते हैं, और हम ही फारूकियो उस्मानियो मौलाई हैं, हम ही फारूकियो उस्मानियो मौलाई हैं, और उनके सिद्दीक का भी दिल से हया करते हैं। और ढाल फितनों के लिए नाराए तहकीक हमें, ढाल फितनों के लिए नाराए तहकीक हमें, और नाराए हैदरी से दिल में जिया करते हैं, नाराए हैदरी से दिल में जिया करते हैं, और उसकी हम ताअत व ताज़ीम बजा लाएंगे। किसकी सुनिए, उसकी हम ताअत व ताज़ीम बजा लाएंगे। अरे जिसको भी मौला हसन फरमा रवा करते हैं, जिसको भी मौला हसन फरमा रवा करते हैं, और शाह करबल से मोहब्बत है तो फिर याद रहे सर कटा के भी वो बस्ती पे चला करते हैं, सर कटा के भी वो बस्ती पे चला करते हैं। और आओ इस दौर के फितनों के लिए मिल के शकील, आओ इस दौर के फितनों के लिए मिल के शकील, आलो असाब के सदके से दुआ करते हैं। अब आबे जी वकार, अब आज की इस उर्से पाक की महफिल पाक में मनकबत बहजूर ख्वाजा खाजगा पेश करने के लिए किबला हजरत साहब की इजाज़त से मुल्तमिस हूँ मोहम्मद शहीद और मोहम्मद अब्दुल मोईज साहब से तशरीफ़ लाएँ, और हजूर ख्वाजा खाजगा की बारगाह में मनकबत का मोहब्बत भरा नजराना पेश किए। बेहमदही ताला ये सआदत भी नसीब हुई कि बाबा साहब की मज़ीद मनकबत लिखने की तौफीक हुई। तो बच्चों से गुजारिश है कि आप अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। एक नजर करम दी पाखा जा, एक नजर करम दी पाखा जा, मेरे दिल दी चौक वसाखा जा, एक नजर करम दी पाखा जा, एक नजर करम, एक नजर करम। बावली दे फैजान दे सदके, सदके निस्बत दे एहसान, सदके निस्बत दे एहसान,
दे सदके मैनू अपनी दीद करा खाजा, मैनू अपनी दीद करा खाजा, एक नजर हो रे
سہارے سہارے میرے خواجہ بن تیرے نہیں میرے گزارے میرے خواجہ میں کو جینوں گل لا خواجہ میں کو جینوں گل لا خواجہ ایک نظر کرم دی پا خواجہ ایک نظر کرم ایک نظر کرم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور تاجدار طریقت و تصوف قدوت الواصلین امیر سالکاں خواجہ خاجگاں حضور خواجہ محمد خان عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پاک بارگاہ میں خوبصورت نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا تھا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کریم کی بارگاہ میں اور حضور خواجہ خاجگاں بابا جی صاحب سرکار کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. جس جس نیت سے محبت بھری نیتیں یقیناً خوبصورت نیتیں لے کے آپ حاضر ہیں تو میرے کریم بابا صاحب کی نظر میں ہیں, ان کی نظر ہمارے دلوں پہ ہے. تو اللہ پاک دلوں کی جو جو نیک حاجات ہیں اللہ اپنے ولیوں کا صدقہ, ہمارے اس ولی کامل کا صدقہ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے, مرادیں پوری فرمائے. اب آب عزی وقار آپ سب کی محبتوں میں میں دعوت گفتگو دے رہا ہوں. بڑے ہی گلے گلشن نقشبندیت, بڑے ہی شفیق و مہربان خطیب ذیشان داعی فکر قرآن اور آج کے عرس پاک کے میزبان اور میرے کریم مرشد رفعت نواز حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان آپ کی راحت جان جناب قبلہ پیرزادہ محمد فیضان عالم صاحب آپ سے ملتمس ہوں, ادب و نیاز کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں اور عرس پاک کی سالانہ محفل پاک میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, محبت سے ذرا اظہار کریں, جس اللہ نے زبان دی ہے اسی کا نام بلند کر کے دکھائیں ذرا. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, عظمت و شان مصطفیٰ کریم, آستانہ عالیہ بابلی شریف. السلام على من لا نبي بعد, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من زكاها, صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حدیث مبارک ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ سلامتی نازل کرتا ہے. اللہ کا کتنا فضل ہے, کتنی برکت اور رحمت ہے اس کی کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق دی ہے جہاں اتنے احباب مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں. ذرا اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیاں نازل ہو رہی ہوں گی. ویسے بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول سنتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام.
आपने अक्सर हदीसें मुबारक सुनी होगी, मैं फिर आपको याद दहानी के लिए बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एलाने नबूवत से पहले जो पत्थर मुझ पर दुरूद पड़ा करता था, मैं उस पत्थर को जानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। बावली शरीफ आए हुए हुजूर के गुलामों, ईमान से फैसला करो, नबी पत्थरों के दुरूद को सुन सकते हैं, आशिकों के दुरूद को नहीं सुन सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर एक सहाबी के घर तशरीफ लेकर गए दावत पर। वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरी घरवाली ने मछली को आग पर रखा है पकाने के लिए, हुजूर मछली पक नहीं रही, आग असर नहीं कर रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबी, कयामत तक भी अगर वो मछली आग पर पड़ी रहे, आग उस मछली को कुछ नहीं कह सकती, इसलिए कि एक दिन उस मछली ने मुझ पर दुरूद पढ़ लिया था। अल्लाह अल्लाह, सुभान। हुजूर के गुलामों, अगर मछली हुजूर पर दुरूद पढ़ ले, आग उसको कुछ नहीं कहती, तो गुलाम अगर अपने आका पर दुरूद पढ़ ले, तो आग उसको क्या कह सकती है। सुभान अल्लाह। दूसरी बात, जो नबी पानी की गहराइयों में मछली के दुरूद को जानते हैं, वो हमारे दुरूद को नहीं सुन सकते। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईन सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। आज योम दुरूद है और आज आप उनकी बारगाह में आए हैं जिन्होंने हमें दुरूद पढ़ना सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने बड़े बड़े बंदों को, बड़े बड़े गाफिलों को दुरूद पाक का आशिक बना दिया है। और योम दुरूद पे भी अगर हमने दुरूद नहीं पढ़ना, तो फिर मुझे बताएं कब दुरूद पढ़ना है। एक दफ़ा इस तरह दुरूद पढ़ें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर राज़ी हो जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीब अल अंबिया वल मुरसलीन وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें आज इस बाबरकत महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, माशाल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। हाफिजाबाद की सरजमीन से हमारे आज की उर्स पाक के मेहमान खुसूसी गुले गुलशन सादात, निघते गुलशन सादात, किबला पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी पंडाल में स्टेज पर रौनक अफरोज हो गए हैं। दिल की गहराइयों से किबला हजरत को, शाह साहब को खुशामदीद, सद मरहबा, सद मरहबा, सद मरहबा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, माशाल्लाह। किबला पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी। अब आप खड़े हुए हैं तो मेहरबानी करके जो सामने हैं ये अब आगे मजीद नहीं आएंगे, लेकिन दरमियान में जो जो जगह खाली है, प्राय मेहरबानी थोड़े थोड़े आगे सिरकते जाएं, थोड़ी थोड़ी पिछले जो भाई हैं जो बिल्कुल गेट के पास है उनके लिए जगह बनाएं। बड़ी मेहरबानी, आप अहबाब तशरीफ भी रखिए और थोड़ा थोड़ा आगे सिरकते हुए, थोड़ा थोड़ा आगे होके आप तशरीफ रखिए, भाइयों के लिए जगह बनाएं। उर्से पाक की सजीम उशान माफले पाक में बारे दिगर किबला पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी आपको, दीगर उलमा व मशाइख को, सदाजा नशीन आस्तान आलिया रवात्रा शरीफ किबला पीर सैयद इरफान अमीर शाह साहेब, दीगर सजादगान जो भी मुख्तलिफ आस्तान आलिया से तशरीफ लाए हैं, सबको खुश आमदेद, सद मरहबा। आप तशरीफ रखिए, बयान जो है जारी है किबला पीरजादा साहब का, तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, किबला शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं। किबला हजरत साहिब के होते हुए, मुर्शिदे ग्रामी के होते हुए, वालिद मोहतरम किबला शाह साहब के होते हुए, मुझ जैसे तालिब इल्म की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो बुज़ुर्गों का बताया हुआ पैगाम है वो सुनाना ज़रूरी है और वो पैगाम आप तक पहुंचाना मकसद है। माशाल्लाह, मेहमान आते रहेंगे लेकिन आपकी तवज्जो बयान करने वाले की तरफ होनी चाहिए। आप यहाँ से कुछ सीखने आए हैं, कुछ हासिल करने आए हैं। आप इस वक्त ख्वाजा ख्वाजगा की बारगाह में आए हैं, तो तमाशाई बन के ना बैठें, तमन्नाई बन के बैठें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मेहमान आते रहेंगे,
क़िबला हज़रत साहिब से मिलते रहेंगे, लेकिन आपकी तवज्जो बयान पर होनी चाहिए, गुफ्तगू पर होनी चाहिए। क़िबला शाह साहब तशरीफ़ ला गए हैं, ले आए हैं, मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, मैं बस 10-12 मिनट गुफ्तगू करूंगा, पैगाम दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह 2-3 दोस्तों के कहने पर मैं इंशाल्लाह 2-3 अशआर एक दुआ के पढ़ूंगा। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए और अब अहबाब को सुनकर समझने की तौफीक अता फरमाए। आजकल हालात क्या चल रहे हैं मेरे से बेहतर आप अहबाब जानते हैं। कौमी सतह पर देख लें, इनफरादी सतह पर देख लें, बतौर उम्मत देख लें, हर हवाले से मुसलमान इस वक्त जवाल की तरफ जा रहे हैं। मौशी सतह पर देख लें, माशरती सतह पर देख लें, इनफरादी सतह पर देख लें, हर कोई परेशानी में है, हर कोई इज़्तिराब में है, मायूस नज़र आता है, शिकवे करता नज़र आता है। आज ये पैगाम लेकर जाएं और याद करें उन लोगों को, अपने असलाफ को, कैसे लोग थे वो जो फटी हुई कमीज़ पहनकर, फटा कुर्ता पहनकर 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। सुभान अल्लाह, कैसे लोग थे वो। आज हम नरम नरम बिस्तरों पर भी लेटते हैं, नींद नहीं आती, वो कैसे लोग थे, ईंट का सराहना बनाकर सुकून की नींद सो रहे हैं। अलामा इकबाल ने इसलिए कहा था, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, ए नौजवान मुस्लिम कभी तुमने ये सोचा भी है, कभी ये फिक्र की है, कभी ज़िंदगी के शब रोज़ में इस बात को भी सोचा है कि तुम किन की औलाद हो। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूँ है जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम किन शेरों की औलाद हो, तुम्हारे असलाफ कौन थे और तुम किन से बिछड़ के यहाँ तक पहुँच गए हो। आज उम्मत मुस्लिमा के जो हालात हैं आप लोग जानते हैं, और अल्लाह ताला की जो हमारे साथ, रब ताला हमारे साथ जो मामलात फरमा रहा है, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त तुर्की में जलजला आया, चंद दिन पहले पाकिस्तान में, कुछ अरसा पहले सैलाब आया, और मुसलमानों के मुआशी हालात किस तरह हैं आप जानते हैं। आज हम लोग शिकवे करते हैं लेकिन अपना किरदार नहीं अदा करते। शिकवे करने से या किसी को कोसने से, सियासतदानों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बदलने से कोई फ़ायदा हासिल होगा। शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शिकवे करने से कुछ हासिल नहीं होता। अलामा इकबाल ने अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवा किया था एक दफ़ा, आपने शिकवा लिखा जिसमें इकबाल ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि ऐ रब्बे करीम, मुसलमानों ने इस्लाम के लिए क्या कुछ किया, हमने इस्लाम को दुनिया भर में फैला दिया। अलामा इकबाल ने शिकवा में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो अशआर आते हैं लेकिन मैं वो सारे पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि शिकवा के अशआर अलामा इकबाल ही पढ़ सकते थे, वो हिम्मत नहीं है कि वो अशआर पढ़े जाएँ। इकबाल ने कहा था, है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं माबूद थे पत्थर कहीं मस्जूद शजर। कि ऐ रब्बे करीम, हमारे से पहले, मुसलमानों से पहले जहान का क्या मंजर था, लोग बुतों को पूजते थे, पत्थरों की पूजा करते थे, लोग दरख्तों की पूजा करते थे, लेकिन हम जब मुसलमान आ गए तो हमने तेरा काम किया और हमने जहां में इस्लाम को फैला दिया। अलामा इकबाल के अशार में इकबाल कहते हैं, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे को काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। इकबाल ने शिकवा किया और बड़ा तल्ख लहजा इकबाल का था, मैं वो अशार भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में वो अल्फाज बोले जाएं। जब इकबाल ने शिकवा किया तो वहाँ से जवाब आया, जवाब शिकवा आया। अब मैं जवाब शिकवा पढ़ता हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ज़्यादा बातें अगर कम वक्त में करनी हो तो अशार के ज़रिए की जा सकती हैं। क्या ख्याल है, अशार के ज़रिए ज़्यादा बात कम वक्त में, कम अल्फाज में बयान की जा सकती है।
علامہ اقبال نے شکوہ کیا, اب آگے سے جواب شکوہ آیا. اقبال کہتے ہیں میں رات کو سویا ہوتا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ مجھے کوئی اٹھا رہا ہے کہ اقبال اٹھو اور جواب لکھو. علامہ اقبال نے جواب کیا لکھا, اب ذرا دل کے کانوں سے سنو. اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے, عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, آسمان چیر گیا نالہ اے بے باک میرا, پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی. بال کہتے ہیں جب میں نے شکوہ کیا تو پیرے گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی, بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی, چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی, کہاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی, کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا, تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہے, تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا, عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا, تاثر عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا, یعنی عرش تک بھی انسان کی باغ دوڑ اور بات چیت ہے جو یہ شکوے کر رہا ہے, تاثر عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا, آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا, غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں, یعنی زمین میں رہنے والے کیسے غافل آداب سے ہیں, ان کو آداب پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے بات کرنی ہے, غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں, شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں, اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے, تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے, عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے, ہاں مگر عجز کے اسرار سے نا محرم ہے, ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, طاقت گفتار بات چیت کرنے کی طاقت, بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑی بات کر سکتے ہیں, ہم بڑے اچھے خطیب ہیں, بڑی اچھی باتیں کر سکتے ہیں. بال کہتے ہیں ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو, آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا, اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا, آسمان گیر ہوا نعرہ اے مستانہ تیرا, کس قدر شوخ زباں ہیں دل دیوانہ تیرا, شکر شکوے کا کیا حسن ادا سے تو نے, شکر کیا شکوے کا لیکن حسن ادا سے بڑے اچھے طریقے سے, شکر شکوے کا کیا حسن ادا سے تو نے, ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. اب وہاں سے جواب آ رہا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, واہ واہ واہ, راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے بنو ہم تمہیں دنیا بھی نہیں دیں گے, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں, ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل ہوگر ہیں, امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں, بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں, تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں, بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے, حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے, وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا اے رانائی تھا, نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا, جو مسلمان تھا اللہ کا شیدائی تھا, کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا, کسی یک جائی سے عہد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, کس قدر مشکل ہے تمہارے لیے صبح اٹھ کر نماز پڑھنا, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے ہے کب پیار, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے, تمہاری یہ جو آزاد طبیعت ہے نا اس پہ قید رمضان بڑا بھاری ہے, تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے, کہتے ہیں بڑے وفادار ہیں ہم حضور سے بڑے وفادار ہیں, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے, قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں, نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو, بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو, ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے, آج کئی آستانوں نے اپنے بزرگوں کو اسلاف کو بھلا دیا, ان کے افکار کو چھوڑ کر رافضیت کے پیچھے دوڑ پڑے, اپنے اسلاف کو بیچ دیا, ان کی افکار کو بیچ دیا اور پیسے کی خاطر لوگوں نے ان کے افکار کو چھوڑ دیا,
होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबाव तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। कहते हैं एक उम्र और आ जाए, एक सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन फातेह, महमूद गजनवी और आ जाए तो हम काबिज हो जाएंगे। बाल कहते हैं तुम खुद क्यों नहीं बन जाते, इंतजार में बैठे हो कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। हाथ पे हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। क्या कहा बहरे मुसलमान है फकत वादा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातरे हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिमाई हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। करम के दरवाजे तो खुले हैं मूसा ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। मनफियत एक है इस कौम की नुकसान भी एक, एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में परपने की यही बातें हैं, कौन है तारीख आईने रसूल मुख्तार। मसलहत वक्त की है किसके अमल का मयार, किसकी आंखों में समाया है शियार अगियार। हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार, कल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, जाके होते हैं मसाजिद में सफ आरा तो गरीब। जहमत रोजा जो करते हैं गबारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब। उमरान शाय दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बेजा गुराबा के दम से। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तबी न रही, शोला मकाली न रही। रह गई रस्म अजा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। मस्जिद मरसिया खां है के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। क्या तुम्हारे में मुसलमानों वाली कोई बात भी है, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईना हस्ती में अमल जौहर था। जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से बिदर क्यों कर हो। वा, 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 वा। अगर बाप का इल्म बेटे को नहीं आता, उसको पता ही नहीं है, तो फिर वो बाप की मीरास का हकदार कैसे हो गया है। आज हर पीर का बेटा पीर बना है, पीर का बेटा पीर तब होगा जब वो पीरों वाली बातें अपनाएगा। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से पिधर क्यों कर हो। हर कोई मस्ते मए जो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है। हर कोई आसानी ढूंढता है, मुझे बस एक नौकरी मिल जाए, रात को आऊं सुकून से सो जाऊं, सुबह फिर नौकरी पे जाऊं, महीने बाद तनहा मिल जाए। दीन जाने और रब जाने, इस्लाम जाने और मौलवी जाने, हमें क्या तलब। हर कोई मस्ते मए जो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या नस्बत रूहानी है। वो मुअज्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारीख़ कुरआन होकर। तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम। सहाबा इकराम की बात है, तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम। तुम ख़ताकार हो ख़ता भी, वो ख़ता पोश व करीम। चाहते सब हैं कि हो औज सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, आस्ताना आलिया बावली शरीफ। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। तख्त फगफूर भी उनका था सरीरे कह भी, यूं ही बातें हैं कि तुम में वो हमीयत है भी। खुदकुशी शेवा तुम्हारा वो गयूर व खुददार, तुम अखुवत से गुरेजा वो अखुवत पे निसार। तुम हो गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार, तुम सिर्फ बातें करते हो काम नहीं कर सकते। तुम सर से लेकर सिर्फ गुफ्तार बातें हैं, और वो सर से लेकर पांव तक अमल था।
तुम हो गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार, तुम तरसते हो कली को। इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ $1 अरब की जरूरत है। और आपको एक रिसर्च बताऊं, जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हो हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर ने उनके लिए दुआ की थी अल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ को रिज्क अता फरमा। तारीख कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास $660 बिलियन थे। अगर वो मालियत आज के हिसाब से लगाई जाए, आज पाकिस्तान को $1 बिलियन चाहिए, तो हुजूर के सहाबा अल्लाह ने उनको इतना अता फरमा दिया कि वो तारीख इंसानी में सबसे अमीर कहलाते थे। तुम हो गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार, तुम तरसते हो कली को वो गुलिस्तां बा किनार, अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी। द 100 बुक में लिखा है कि एक दफ़ा उम्र और आ जाए ना, अगर एक उम्र और आ जाते तो मुसलमान पूरी दुनिया पे हुकूमत करते, गैर मुस्लिम भी जानते हैं उन लोगों को। अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श सफ़ाई हस्ती पे सदाकत उनकी, मिसल अंजुम उफ़ुक़े कौम पे रोशन भी हुए, बुते हिंदी की मोहब्बत में बरहमन भी हुए, शौके परवाज में महजूर नशेमन भी हुए, बेअमल थे ही जवान दीन से बदजन भी हुए, उनको तहजीब ने हर बंद से आज़ाद किया, लाके काबे से सनम खाने में आबाद किया, कैस जहमत कशे तन्हाई सहरा न रहे, शहर की खाए हवा बादिये पैमाना रहे, वो तो दीवाना है बस चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है, चश्मे अकवाम ये नजारा अब तक देखे, रिफत शाने वरफाना लका जिक्र देखे, मर्दुमे चश्मे जमी यानी वो काली दुनिया, वो तुम्हारे शुहदा पालने वाली दुनिया, गर्मी महर की परवरदा हिलाली दुनिया, इश्क वाले जिसे कहते हैं बिलाली दुनिया, तपिशंदोज है इस नाम से पारे की तरह, गोता जन नूर में है आंख के तारे की तरह, अकल है तेरी सिपर इश्क
इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। अल्लामा इकबाल ने 107 अशार में हमें हमारे हालात बताए, उम्मत का किरदार बताया, हमारे आमाल बताए, हमारी मंजिल भी बता दी। ऐ इकबाल ज़रा ये बताएं कि मंजिल की तरफ जाना किस तरह है, कामयाबी हासिल किस तरह करनी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, एक काम कर लो, अगर तुम हुजूर के साथ वफादार हो जाओगे तो अल्लाह का वादा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस नारे में कोई शक तो नहीं आपको? सारे फिर क्यों नहीं बोले? ताजदारे खत्मे नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इकबाल कहते हैं, सारे जवाब शिकवा का निचोड़। 108वें शेर में इकबाल ने बता दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह जिसका हो जाए उसे किस चीज़ की कमी है? वो ज़िंदगी में कभी हार सकता है? कि मोहम्मद से वफा, वफा करनी है, सिर्फ दावा नहीं करना, वफा करके दिखानी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहान की हैसियत क्या है लोहो कलम ही तुम्हें दे देंगे, जिस तरह तुम चाहोगे उस तरह होगा। औलिया इकराम जिस तरह चाहते थे अल्लाह ताला उस तरह कर देता था, और औलिया गैर शरी काम तो चाहते ही नहीं थे। जिस तरह अल्लाह ताला ने यहाँ इकबाल ने जवाब शिकमा में लिखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज ये अहद करें हमने हुजूर से वफा करनी है। अब वफा का पता किस तरह चलेगा? सुबह फजर की नमाज के वक्त, उस वक्त आपने अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं हुजूर से वफा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? रोजे जब छोड़ेंगे ना, तब आपने अपने आप से पूछना है, क्या मैं हुजूर से वफा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? तब ये आज़ाद बेकैदे रमज़ान भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। वफादारी वफादारी करते हैं कि हम वफादार हैं। आज ये अहद करें इंशाल्लाह हम फराइज़ की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। वक्त की किल्लत है, वरना मैं और तशरीहात इसकी करता, बस मैं अपनी गुफ्तगू को इन अल्फाज पर समेटूंगा। आज ये नियत करें फराइज के बाद इंशाल्लाह हम हुजूर की बारगाह तक पहुंचने के लिए दुरूद पाक की कसरत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अहबाब ने 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नियत की है, और मुझे अक्सर अहबाब हर जुमे के जुमे बताते हैं कि इस दफ़ा हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है। एक दोस्त हैं वो रोज़ाना 10,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो हर जुमे आकर मुझे बताते हैं कि अब मैंने 10 से इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। 1,000 से उन्होंने शुरू किया था और 10,000 तक पहुंच गए हैं, और पिछले जुमा उन्होंने मुझे बताया मैं 10,000 से भी रोज़ाना ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। अल्लाह वालों की बारगाह में आने के फ़वाद क्या हैं? वो जो दुनिया में गाफिल लोग थे, जो अपने रब को भूले बैठे थे, अल्लाह वालों ने उन्हें हुजूर पर दुरूद पढ़ना सिखा दिया। ऐसे ऐसे अहबाब को मैं जानता हूँ। एक दोस्त यहाँ मौजूद है, मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे बताने लगे कि मैं 11 साल पहले पहली दफ़ा उससे बाकी महफिल में आया था, 11 साल पहले आज से। तो हज़रत साहब ने, किबला पीर साहिब ने उस दिन कहा था कि आज अहद करें कि इंशाल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे। वो दोस्त कहते हैं, आज उस दिन से आज तक मेरी एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई। आज लोग कहते हैं अल्लाह वालों के पास जाके मिलता क्या है? मैंने कहा आओ तुम्हें दिखाएं कैसे कैसे अल्लाह ताला कितना करम फरमाता है, कैसे कैसे लोगों को अल्लाह ताला किस किस तरह दीन के रास्ते पर चला देता है। नियत करना आपका काम है, आज नियत करें इंशाल्लाह हम हुजूर पर कम से कम 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी अता फरमाए हैरियत के साथ। अल्लाह ने ज़िंदगी ना भी दी तो नियत करने वालों में तो शामिल हो जाएंगे ना, और जिसने नियत की नेकी की अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमा देता है। आज नियत करें, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अल्लामा इकबाल से पूछा गया, इकबाल आपकी शायरी में इतनी चाशनी कैसे है, इतनी मारूफ व मकबूल कैसे हो गई? इकबाल कहते हैं, मैंने सिर्फ 1 करोड़ मरतबा हुजूर पर दुरूद पढ़ा
उसके बाद मैंने जब भी शायरी की मेरी शायरी कबूल हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज नियत करके आपने उठना है कि इंशाल्लाह हम 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। मैं आपको 2-3 चलें तरतीबें बता देता हूँ। 4 साल में अगर दुरूद पाक पढ़ लें 4 यारों की नस्बत से तो कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ रोज़ाना 7,000 मरतबा दुरूद पाक अगर पढ़ लेना, सिर्फ 7,000 मरतबा, और 7,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ 2 घंटे अगर आप दिन में दे दें, फजर के बाद 1 घंटा, 1 घंटा मगरिब के बाद या इशा के बाद दे दें, सिर्फ 2 घंटे दुरूद पाक पढ़ें तो वो तकरीबन 7,000 दफ़ा पढ़ा जा सकता है। अगर आप 7,000 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें तो 4 यारों की नस्बत से इंशाल्लाह 4 साल में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है। आमीन। और अगर आप 5 तन पाक की नस्बत से करना चाहें तो रोज़ाना कम अज़ कम 5,000 मरतबा आप अगर दुरूद पाक पढ़ लें तो 5 सालों में दुरूद पाक 1 करोड़ मरतबा पढ़ सकते हैं। वाह वाह। आज हाथ नहीं खड़े करना चाहता लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा अल्लाह वालों की बारगाह में आकर इन उलमा मशाइख की मौजूदगी में नियत कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फरमाई तो मैं हुजूर की बारगाह में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ूँगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ 2 से 3 अशार दुआ के पढ़ूंगा। मुझे 2-3 अहबाब ने कहा था कि आपने ज़रूर पढ़ने हैं, और हुजूर की हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला के नज़दीक फ़राइज़ और वाजिबात के बाद सबसे पसंदीदा अमल ये है कि मुसलमान के दिल को खुशी पहुंचाई जाए। तो अब मेरे साथ मिलकर एक दुआ पढ़ेंगे। मैंने पिछले साल भी पढ़ी थी, कहीं अब आपको तो आती होगी। अल्लाह ताला और इस कलाम में, इस दुआ में सिर्फ अल्लाह ताला से रूहानियत और आखिरत का सवाल है, दुनिया का सवाल ही नहीं है। आए मिलकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ के हम ये कलाम पढ़ते हैं, सिर्फ 2 से 3 अशार। मिलकर ऊंची आवाज़ में मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं माहौल बनाने के लिए नहीं कलाम पढ़ रहा या किसी और मकसद के लिए नहीं, दुआ की नीयत से पढ़ रहा हूँ। आपने भी मॉल बनाने के लिए नहीं पढ़ना, दुआ की नियत से पढ़ना है, मांगना है अल्लाह से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने हता में न की, तुमने अता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। छीड़ाइंज छड़ी दाया छीड़ा इंज छड़ी दयार, छीड़ा इंज छड़ी दयार, छीड़ा इंज छड़ी दयार, छीड़ा इंज छड़ी दयार, छीड़ा इंज छड़ी दयार। वज्जे अल्लाह वाले तार, सोने साया वाले तार, वज्जे अल्लाह वाले तार, सोने साया वाले तार, मेरे मुर्शिद वाले तार।
छेड़ा इंज छड़ी दा यार वजे अल्लाह वाले तार सोने साया वाले तार वजे अल्लाह वाले तार सोने साया वाले तार मेरे मुर्शिद वाले तार छेड़ा इंज छड़ी दा यार अल्लाह 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 छेड़ा इंज छड़ी दा यार कल्बी ओ रूही सिर्री अख्फा खफी ओ सूरी कल्बी ओ रूही सिर्री अख्फा खफी ओ सूरी कल्बी ओ रूही सिर्री अख्फा खफी ओ सूरी माना इने जगा दे माना इने जगा दे अपनी लगन लगा दे छेड़ा इंज छड़ी दा यार छेड़ा इंज छड़ी दा यार अल्लाह 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 छेड़ा इंज छड़ी दा यार जिन्ना इश्के हकीकी पाया मूह कुछ न अलावण हो जिक्र फिक्र विच रहन हमेशा दम नु कैद लगावण हो कलबी रूही सिर्री सूरी अख्फा खफी कमावण हो मैं कुर्बान ओना थी बाहो जड़े इकस निगाह जगावण हो कलबी ओ रूही सिर्री अख्फा खफी सूरी माना इन्हें जगा दे माना इन्हें जगा दे अपनी लगन लगा दे छेड़ा इंज छड़ी दाया छेड़ा इंज छड़ी दाया वजे अल्लाह वाले तार सोने साया वाले तार वजे अल्लाह वाले तार सोने साया वाले तार मेरे मुर्शिद वाले तार छेड़ा इंज छड़ी दाया छेड़ा इंज छड़ी दार छेड़ा इंज छड़ी दार अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें जो बातें उलमा कर रहे हैं वाइजीन कर रहे हैं अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे शेख का हमारे पीर मुर्शिद का साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे अल्लाह ताला हमें इनसे मुस्तफीज होने की और तौफीक अता फरमाए की मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं माशाल्लाह हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोहम्मद खान आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह अब आबे जी वकार किबला हज साहब के हुक्म के मुताबिक बिला तखीर मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ अदबो नियाज के साथ आस्थान आलिया शरपुर शरीफ के सजादा नशीन पीर तरीकत रहबर शरीयत फख्र आलम इस्लाम सरमाए इस्लाम किबला मियाँ वलीद अहमद साहब जवाद नक्शबंदी मुजद्दी शरकपुरी आप तशरीफ लाते हैं और आज की इस तकरीब सईब में अपना पैगाम जो है महफिल पाक में अता نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الله وحده لا شريك जो खालिक कायनात है मालिक कायनात है उस वहदहू ला शरीक की बेशुमार ला महदूद हमदो सना के बाद दरूद ला महदूद आकाए नामदार मदनी ताजदार अंबिया के शहरयार मुरसलीन के शहसवार
महबूब खुदा मेरे और आपके आका जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर सारे बेली बुलंद आवाज़ से दुरूद सलाम का नजराना पढ़ लें। सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलात व सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है कि बरे सगीर की अजीम रूहानी दरगाह आस्ताना आलिया बावली शरीफ हाजरी का मौका इस महफिल उर्स पाक के रूह रवान सजादा नशीन आस्ताना आलिया बावली शरीफ आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत साहबजादा ग़ुलाम बशीर नक्शबंदी मुजद्दी साहेब दामत बरकातहुल आलिया आपके हुक्म आपकी वसातत से अल्लाह करीम ने ये सआदतमंदी अता फरमाई। हम सब अहले निस्बत बैठे हैं स्टेज पर, उलमाए कराम और मुशायखे उज़ाम का जम्मे गफीर है। मैं फ़कत वादे की पासदारी के लिए और इस खूबसूरत महफल की बरकात हासिल करने की नीयत से हाज़िर हुआ। हजरत साहब ने कुछ अर्ज़ करने के लिए हुक्म दिया तो चंद बातें चंद लम्हों के लिए आप हजरात के सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वहदहू ला शरीक का करोड़हा शुक्र है कि उस खालक उस मालक उस रब ने हमें अपने बरगजीदा बंदों की निस्बत अता फरमाई है। और ये सिलसिला निस्बत इस्लामी तारीख के लिहाज से सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अकदस से सहाबा इकराम में मुंतकिल हुआ और उनमें जैसा कि जिक्र हो रहा था अफजलुल बशर बाद अज़ अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अकदस का। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस निस्बत आलिया को किस अंदाज से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अकदस में मुंतकिल फरमाया उसका एक मजहर आप हजरात के सामने पेश करना चाहूँगा कि हिजरत मदीना के मौका पर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कुछ वक्त गुजारा और सोहबत से फैज़ पाया, कमोबेश तीन दिन और तीन रातें हजूर की खिदमत में रहे। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो देखने वालों को मुश्किल हो गई कि इनमें आका कौन है और आका के गुलाम सदीक़ अकबर कौन है। यानी ज़ाहरी तौर पर भी रब्बुल आलमीन के फजलो करम से
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرہ انور پر حضور کے نور کے جلووں کی اس انداز سے بارش ہوئی کہ دیکھنے والوں کو مشکل ہوئی کہ ادھر بھی نورانی چہرہ ہے ادھر بھی نورانی چہرہ ہے. اب جب جس طرح حضور کا ادب کرنا چاہیے تھا اسی انداز سے کچھ لوگ آپ کی طرف توجہ کرنے لگے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ نے چادر لی اور حضور پہ تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ آقا کون ہیں اور آقا کے غلام صدیق اکبر کون ہیں. الحمدللہ یہی سلسلہ نسبت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا ہمیں ملا. ہم رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ خالق کائنات مالک کائنات نے ہمیں رائج تمام سلاسل میں ایسا سلسلہ کہ جس میں شریعت کی سب سے زیادہ پابندی ہے اور جس میں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہم تک مختلف صحابہ اہل بیت اطہار پھر تابعین تبع تابعین بزرگان دین اولیاء اکرام کے واسطے سے پہنچتی ہے تو ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات مالک کائنات نے ہمیں ایسی غلامی عطا کی ہے کہ جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں غلام نقش بندہ شو اگر دنیا ودی خواہی غلام نقش بندہ شو اگر دنیا ودی خواہی سگے درگاہ مجدد شو اگر حق پل یقین خواہی. اس برے صغیر پاک و ہند میں آج جو فتنے برپا ہیں مختلف سلاسل کے درمیان یا مختلف آستانوں سے جو آج مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں اس برے صغیر پاک و ہند میں اسی سلسلہ عالیہ کے عظیم بزرگ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمت اللہ علیہ وہ ذات اقدس ہیں کہ جنہوں نے اس خطہ ارضی میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں اپنے وجود کی برکت سے دین اسلام کی شمع کو دین اسلام کے پرچم کو دوبارہ سے سر بلند فرمایا. آج اگر بھٹکے ہوئے لوگ راہ حق چاہتے ہیں اپنے عقائد کو صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار اور تابعین تبع تابعین کے رستے کی طرف رہنمائی چاہتے ہیں تو انہیں حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکتوبات شریف کی طرف توجہ کرنی ہوگی جس میں خود آپ ارشاد فرماتے ہیں
कि जिस तरह खुलफाए कराम की यानी खिलाफत की तरतीब है, इसी तरह उनकी अफजलियत की तरतीब है। यही अकीदाए हक अहले सुन्नत व जमात है। और हजरत इमाम रबानी हजरत मुजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया के अजीम रहनुमा हैं, आपके मकतूबात शरीफ से हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मिलती है और सहाबा इकराम की मोहब्बत में मिलती है। और इसी रास्ते पर चलकर हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। खालिक़े कायनात मालिक़े कायनात की बारगाह में दुआ है कि हमें इन आस्थानों से वाबस्ता रखे कि जहां से दीन का सबक मिलता है, हजूर की मोहब्बत का सबक मिलता है, हजूर की आल हजूर के असहाब और औलिया कामलीन की मोहब्बत का दर्स मिलता है। जो लोग इन आस्थानों से जुड़ चुके हैं और इनके बुजुर्गों के साथ अपनी नस्बत को कामल कर चुके हैं, उनका इस दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह वहदहु ला शरीक उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत मियां वलीद अहमद जवाद साहब सजादा नशीन आस्थाने अला शरकपुर शरीफ आप खिताब फरमा रहे थे। आपकी मोहब्बतें आपका प्यार हजरत अपनी मसरूफियात के बायस दरबार शरीफ में हाजिरी के बाद रवानगी है और मैं हजूर किबला पीर साहब से 10 बरस अर्ज करूँगा। हजूर आगे तशरीफ लाएँ आसानी जी बिस्मिल्लाह चेयर नीचे रख दें। ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। बयानात सुन सुन के थक तो नहीं गए या मेणे सुन सुन के तो नहीं थक गए? तो जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े अस्सलातु वस्सलाम अलैका। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका वा असहाबिका या हबीबल्लाह। काबिल सले तराम मशायख इज़ाम उलमाए किराम बरादरान इस्लाम हाज़रीन सामईन, उर्से पाक का ये सालाना दिन हमारे लिए यौम दुरूद की हैसियत रखता है। जिन बुज़ुर्गों के साथ हमारी निस्बत है हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उनका ज़ाहिर शरीयत से आरास्ता है और उनका बातिन नूरे मारफत से माला माल है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं ऐसे ख्वाजगान से ऐसे बुज़ुर्गों से हमारा ताल्लुक़ है
کہ جن کا ظاہر اتباع نبوی سے آراستہ ہے اور جن کا باطن اللہ کی معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مالا مال ہے. اولیاء کرام نے اپنی زندگی گزاری مخلوق کا تعلق رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے, اور ہر موقع پر انہوں نے اپنے تعلق والوں کو رب کی طرف دھیان کرنے کا حکم دیا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکایا ہے, غفلت سے نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا ہے. ہمارے مشائخ کی جو فضیلت مآب تعلیمات ہیں اس کا مقصد ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنانے کا ارادہ کریں, ان سے آگاہی حاصل کریں اور اپنی زندگی میں جو کمی ہے اسے دور کریں. مشائخ یہ چاہتے ہیں, خواجگان یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک باوقار زندگی گزاریں, آپ ایک عزت والی زندگی گزاریں, آپ ایک سکون والی زندگی گزاریں. آپ بھی چاہتے ہیں, بزرگ تو چاہتے ہیں, مشائخ تو چاہتے ہیں, اولیاء تو یہ چاہتے ہیں. ماشاءاللہ چونڈا سے پیر جناب قبلہ پیر راشد سیفی صاحب تشریف لائے ہیں, قبلہ مفتی صاحب شکر گڑھ سے میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں, اور آگے تشریف لائیں اسٹیج پر قبلہ مفتی صاحب, بہت سارے علماء مشائخ, شیخ پورہ سے مفتی عباس کریمی صاحب رونق افروز ہیں, فیصل آباد سے صاحبزادہ ڈاکٹر محمد نعمان سلطانی صاحب, صاحبزادہ محبی فی اللہ عزیز القدر, صاحبزادہ جنید سلطانی صاحب, بہت سارے علماء مشائخ تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ سب کی آمد ہمارے لیے باعث برکت باعث رحمت بنائے. راوی ریان شریف کے محبوب خلیفہ ہیں پیر راشد سیفی صاحب, میں آپ کو مرحبا خوش آمدید. حضرت میاں محمد حنفی سیفی صاحب ان کے محبوب خلیفہ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت بنائے. میں عرض یہ کر رہا تھا, مشائخ یہ چاہتے ہیں, جن خواجگان سے ہماری نسبت ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک با عزت با وقار اور پرسکون زندگی گزاریں. کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن ہماری منفی سوچوں نے اور ہمارے رویوں نے اس زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے. آج ہم جو پریشان ہیں اس میں خود ہماری اپنی منفی سوچوں کا اور رویوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اب تک جو ہماری آج کی محفل ہوئی ہے اس میں دو چیزیں فوکس رہی ہیں, اور یہ ہمیشہ ہمارے عرس میں یہ بات شامل رہی ہے, اور میں بھی آپ کی خدمت میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہا ہوں, سب سے پہلے عقیدہ درست ہو اور پھر نماز کی پابندی ہو. یہ دو باتیں اکثر بیان میں آئی ہیں, اور میں نے بھی یہاں کئی دفعہ آپ سے وعدہ لیا ہے, جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے. ایک تو نماز کی پابندی, اور دوسرا سب سے پہلی جو بنیاد ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہو. دو باتیں اب تک محفل میں بیان ہوئیں, میں آپ کی خدمت میں تین گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. اور میرے بہت سارے دوست کہتے ہیں بھی آپ سر کھپاتے رہتے ہیں, لوگ عمل تو کرتے کوئی نہیں, تو آج تو میں گزارشات پیش کرنے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا خیال ہے عمل کریں گے یا پھر ہم؟ ماشاءاللہ, ویسے میں اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں, میں میرے جیسے عاجز کم ہمت اور بے بداعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے فضل فرمائے, اتنے فضل فرمائے. پچھلے سال جیسے میں نے شروع میں کہا یہ دن جو ہے یوم درود ہے, پورا سال ہمارے دوست جو درود پڑھتے ہیں وہ ہم اکٹھا کر کے اصال ثواب کرتے ہیں. پچھلے سال کوئٹہ سے دوست تشریف لائے تھے,
और सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा के लाए थे, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वेटा से दोस्त तशरीफ लाए हैं, तो 11 अरब दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा के लाए। और मेरे लिए ये बात बड़ी सआदत मंदी की और खुशनसीबी की और मसर्रत की बात है कि फैसलाबाद से मेरे शहज़ादे तशरीफ़ लाए हैं, तो मुहद्दिस फैसलाबादी और नाबगाए असर शख्सियत वली कामिल हज़रत क़िबला ख्वाजा पीर मोहम्मद करीम सुल्तानी साहिब दामद बरकात मुलालिया, उन्होंने 10 अरब दफ़ा दुरूद शरीफ का तोहफ़ा भेजा है। कितना हो गया जी? 21 अरब। और पिछले साल जब ये दुरूद शरीफ का हमने दावत दी, ये मेरे सामने आसन साहब बैठे हुए हैं, 13 फरवरी को रुस हुआ, तो 14 फरवरी को इन्होंने जाके दोस्तों की मीटिंग कर ली और 14 फरवरी को इन्होंने अपने लिए दुरूद शरीफ का दिन बना लिया। हर महीने ये दुरूद की महफिल करने लगे, तो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा के लाए हैं और उसके दूसरे दिन उन्होंने शुरू किया और 4 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा के लाए हैं। पाड़ियाँ वाली से मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ साहब पिछले उर्स में यहाँ मौजूद थे, आज उनके बेटे तोहफ़ा लेके आए हैं, तो मैं जब उर्स के बाद पाड़ियाँ वाली गया तो उन्होंने कहा जी मैंने उर्स पर इरादा किया है कि इंशाल्लाह मैं 1 करोड़ दुरूद पढ़ूँगा। आज उनके बेटे 40 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ का तोहफ़ा लाए हैं। ये उन्होंने उर्स के दूसरे दिन शुरू किया और अकेले उन्होंने खुद पढ़ाया नहीं किसी से, 1 साल में उन्होंने 40 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के भेजा है। और दीगर अहबाब ने गुजरात शहर से जो दुरूद शरीफ पढ़ के दोस्तों ने दिया है वो है 26 करोड़ दफ़ा। और इन इसके अलावा 26 करोड़ के अलावा सरगोधा रोड से रशीद कम्बोज साहब, उन्होंने 2 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ मेरे मिलक किया है। और भी बहुत सारे अहबाब ने दुरूद शरीफ मिलक किया, वो सारा जमा किया तो पहले कितना हुआ था जी? 21 अरब। ये 22 अरब के करीब दुरूद शरीफ बनता है। अगर एक साल में 22 अरब दुरूद शरीफ पेश किया जाए तो हर महीने बावली शरीफ के ग़ुलामों की तरफ से कितना दुरूद शरीफ पेश किया गया है जी? तकरीबन 2.25 अरब। तो हमारे लिए कितनी सआदत है कि मैं इस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं शुक्र नहीं अदा कर सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह 2.25 अरब दुरूद पाक हर महीने पेश किया गया। ये जो 22 अरब दुरूद पाक है माशाल्लाह, 22 अरब 19 करोड़, ये दोस्त जमा कर रहे थे, उन्होंने जमा करके अभी मुझे दिया, 22 अरब 19 करोड़ 47 लाख 93 हज़ार 456 दफ़ा। और या अल्लाह या लतीफ़ो, ये 25 लाख 30 हज़ार 704 दफ़ा दुरूद ने पढ़ के मिलक किया है। आज हम फिर तजदीदे अहद करते हैं कि इंशाल्लाह अगला साल भी हमारा दुरूद शरीफ में गुजरेगा। चौधरी असद साहब नथुवाल से गुजरात से आए बैठे हैं, इन्होंने मोहब्बत का एक अंदाज़ इख्तियार किया कि साल भर में इन्होंने तफसीर मज़री अलहमद से वन्नास तक पूरी तफसीर पढ़ी है और तफसीर का सवाब मिलक किया है। कुरान पाक भी पढ़ा है और कुरान पाक के साथ तफसीर मज़री पूरी तफसीर पढ़ के कुरान पाक की लाए हैं बाबा जी साहब को इसाले सवाब करने के लिए। ये भी मोहब्बत का एक अंदाज़ है। एक मेरे दोस्त हैं, वो 700 नवाफिल पढ़ के लाए, तो ये महफ़िल बुनियादी तौर पे तो इसाले सवाब की महफ़िल है और दुरूद शरीफ के हवाले से तजदीद अहद की महफ़िल है कि इंशाल्लाह हम हजूर से वफा की माशाल्लाह हमारे अजीज़ जामिया सुफ़तुल मदीना की तरफ से 16 लाख मरतबा दुरूद पाक का तोहफ़ा लाए हैं। तो आज हम फिर तजदीद अहद करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा साल भी दुरूद शरीफ में गुजारेंगे और दुआ करें कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने वालों में शामिल रखें। ये 2 गुजारशात तो
हम हर साल करते हैं और इनकी तजदीद भी करते हैं, अकीदे की दुरुस्तगी, नमाज की पाबंदी, दुरूद शरीफ, जो तीन गुजारशात आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। ज़िंदगी बावकार गुजरेगी, पुरसकून गुजरेगी, अगर आप इनको दिल में जगह देंगे। रिज़्क कमाना फ़र्ज़ है और हम रिज़्क कमाने में मसरूफ़ हैं। सब लोग तरजीह देते हैं कि अच्छा रिज़्क कमा सकें, लेकिन याद रखें रिज़्क वही अच्छा है जो बंदे को रब से जोड़े रखे। हज़रत बाबा जी साहिब ख्वाजा ख्वाजगां क़िबला आरिफ़ां, जिनके उर्स पाक में आज हम सब हाज़िर हैं, बावली शरीफ की जामिया मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा की गई। नमाज से फारिग हो के आपने सामीन मुक्तदियों की तरफ देखा, एक दरवेश नज़र नहीं आया। फरमाया फलां दरवेश किधर है? अर्ज़ किया गया भैंस दूध नहीं दे रही, लंगर खाने की भैंस है, दूध नहीं दे रही, तो वो उसमें ज़रा मसरूफ़ है, मज नहीं मिलती पई। तो हज़रत बाबा जी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया जा नी मज्जे, बंदे नू रब कोलों दूर कर छड़िया। तो आजजी सीखें, जिदबाजी में, अनापरस्ती में गीबतों के दरवाजे खुल जाते हैं और दिल की दुनिया जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। कितना अरसा दुनिया में रहना है कि हम जिदबाजी में अपने औकात को खराब कर लें, बर्बाद कर लें। इसलिए सीनों को वसत दें, दिलों में फराही पैदा करें और दूसरों को माफ़ करना सीखें, अच्छे अखलाक का इजहार करें। जिसने अच्छे अखलाक का इजहार करना है वो ये नहीं देखता दूसरा क्या कर रहा है, वो ये देखता है मैंने क्या करना है। वो हर हाल में अच्छे अखलाक का इजहार करता। मेरी ये कोशिश रही है कि मैं किसी को नाराज़ ना करूं, लेकिन फिर भी इंसान हूं, कई दोस्त बुलाते हैं नहीं जा सकता, या कई दोस्त घर आते हैं नहीं मुलाकात हो सकी, तो मैं मजमा आम में सबसे माफ़ी मांगता कि अगर किसी दोस्त के दिल में मेरे हवाले से कोई ज़र्रा बराबर भी बाल है तो आज माफ़ कर दे। मरने पर तो ऐलान होगा ना, भी किसी का दिल रंजीदा किया हो तो मैयत को माफ़ कर दें, तो ज़िंदगी में क्यों नहीं माफ़ी मांग। मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ अगर ज़िंदगी में कभी मेरे किसी रवैये से, किसी लफ्ज़ से, तकरीर भी करता हूं ना, तो कभी किसी लफ्ज से आपका दिल दुखा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप भी घर जाए ना, वालदैन से पूछे, बहन भाइयों से, कि अगर दो आदमी झगड़ रहे हों, एक आदमी हक पे है, झगड़ सकता है, लेकिन वो लड़ाई नहीं करता, माफ कर देता है, वो मुझसे जन्नत में मकान ले लिया। अल्लाह के नबी ने उससे जन्नत का वादा फरमाया। दुनिया में झगड़ा करके कहते हैं आजकल नेकी की दुनिया नहीं है, दुनिया में भी तो रहना है ना, फिर हमें ज़रूरी है अनापरस्ती। ठीक है, दुनिया में रहना है, अनापरस्ती ज़रूरी है, तो आप कितना अरसा दुनिया में रह लेंगे, आखिर छोड़ना है इसे। कहते हैं नेकी का ज़माना नहीं है, भाई नेकी का ज़माना हर ज़माना ही नेकी का है। आप लोगों से नेकी का बदला ना मांगें, आप अल्लाह से तवक्को रखें। दो बातें मैंने अर्ज़ की, रिज़्क कमाने में अपने वक़्त को ज़ाया ना करें, रिज़्क उतना ही कमाएं जो आपको रब से जोड़े रखे। जो रिज़्क गाफिल करे वो इस्तिदराज है, वो आपके लिए फितना है। दूसरी बात, अना में, जिद में अपनी जिंदगी को जाया ना करें। तीसरी बात, यहां कोटला से आगे एक आस्थान है चढ़ियावला शरीफ, ज़ीनतुल असफिया, हज़रत साईं रहमत अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये गुजरात नारोवाली के रहने वाले थे। हिफज करने के लिए गुजरात शहर आए, कुरान पाक हिफज करने के लिए। नौजवान है, 13-14 साल उम्र है, 12-13 साल उम्र है। मां ने जब घर से रवाना किया ना, नौजवानों से कहूंगा तवज्जो है मैं क्या कह रहा हूं, मां ने घर से रवाना किया, कहा रहमत अली तू शहर जा रहा है, मेरी एक नसीहत पल्ले बांध लेना, मेरी उम्र की जो औरत नजर आए
उसे मां समझना, जो जवान औरत नजर आए ये तेरी बहन है, उस औरत को अपनी इस बहन की तरह समझना, नजर पाक रखना, फिर देखना रब कैसे मिलता है। साईं रहमत अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह जब चढ़ियावला शरीफ में मुकीम थे, जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, फरमाते हैं मां ने नसीहत की थी, मेरी उम्र की कोई औरत देखना उसे मां समझना, जवान औरत देखना उसे बहन समझना, रब मिल जाएगा। ये बात मां की बात बयान करके, नजर पाक रखना रब मिल जाएगा। साईं रहमत अली सरकार मुस्कुरा के कहते फिर रब मिले है या नहीं, फिर रब मिले है या नहीं। जब ये कहते थे तो सरशारी में कहते थे मैंने मां की नसीहत पे भी अमल किया है, रब ने मुझे अपना कुर्ब भी अता कर दिया, फिर रब मिले है या नहीं। फिर ऐसे झूम के वो कहते थे वेखो फिर रब मिले है या नहीं। रब ने मस्जिदें बनाने की ड्यूटी लगा दी, रब ने अपने घर बनाने की ड्यूटी लगा दी। आज फितनों का दौर है, हम लुट चुके हैं, हमारी नई नस्ल हमारे हाथों से निकल रही है, हम बर्बाद हो चुके हैं। हमने यहूदियों ईसाइयों हिंदुओं के जेन बदलने थे, उन्हें हया वाला बनाना था, पर उन्होंने ऐसी चाल चली उन्होंने हमारे जेन बदल दिए। फिर आज कामयाब कौन हुआ और बर्बाद कौन हुआ, ये लफ्ज कहते हुए मेरा सीना फटता है। जेन हमने बदलने थे यहूदियों के, जेन हमने बदलने थे ईसाइयों के, जेन हमने बदलने थे हिंदुओं के। हमने हिंदुओं को कलमा पढ़ा के रसूलुल्लाह का गुलाम बनाना था, उन्होंने चाल ऐसी चली उन्होंने पूरा सैलमा ही हमारे जेब में डाल दिया। उन्होंने पहले ही ऐसी चाल चली हमारे जेन अपने काबू में कर लिए। रसूलुल्लाह के गुलामों, शैतान ज्यादा ताकत रखता है या रसूलुल्लाह के गुलाम ज्यादा ताकत रखते हैं? डर डर के ही बोल रहे हैं। कोई गुलाम हो नजर करे पत्थरों को कलमे पढ़ा देता है, कोई गुलाम हो रसूलुल्लाह का नजर बुराई की तरफ उठे, नजर बुराई की तरफ उठे, नजर फेर ले, दिल को लज्जत ईमान ना हासिल हुई आके मेरा गिरेबान पकड़। कोई बेहयाई का मंजर किसी शादी के मौके पर या बाजार में चलते हुए कोई नाजेबा मंजर सामने आ जाए, नजर फेर ले, दिल को ईमान की मिठास ना मिली आके मेरा गिरेबान पकड़ ले। मैं तो खत पढ़ के सुना रहा हूं, हदीस है अल्लाह के रसूल की, फरमाया अगर कोई नजर को बुराई से फेर लेगा अल्लाह उसके दिल को हलावत ईमान अता फरमा देगा। और उलमा फरमाते हैं जिसके दिल को ईमान की मिठास मिल गई ना वो दोजख में नहीं चले, जिसके दिल को ईमान की लज्जत हासिल हो गई वो दोजख में नहीं चलेगा। दीन के बारे में किसी धोखे में मुबतला ना हो। जन्नत में हम सब जाना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हमें जन्नत मिले। कुरान ने दो टोक अंदाज में ऐलान कर दिया है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकीन के लिए है। हुफाज बैठे हैं, इनसे पूछ लें मैं कुरान पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा, जन्नत किसके लिए है? तकवे वालों के। और मुत्तकी कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, जो पूरे का पूरा दीन में दाखिल हो, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर हर काम दीन के मुताबिक कर रहा हो। हाँ अगर कोई गुनाह हो जाए इसरार ना करे, फौरन पलट आए, तौबा कर, गुनाह मुसलसल ना करता रहे, तौबा कर ले, वापस पलट आए। मैंने खुतबा के दौरान सूरह माईदा आयत नंबर 27 का आखिरी सा तिलावत की है, काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन के आमाल कबूल करता है, तकवे वालों के आमाल कबूल होते हैं। ये भी मैं कुरान पढ़ रहा हूं। हम समझते हैं रले मिले, नेकियां भी करते रहे गुनाह भी करते रहे जिंदगी फासिकों वाली गुजारे और अमल कबूल हो जाए। उलमा बैठे हैं, मुफ्तियां ने कराम बैठे हैं, इनसे पूछे फासिके मौलन अजान दे इकामत के, हमारे उलमा कहते थे दोहराओ, सदरु शरिया ने भी लिखा है
फासिक मौलन अजान दे दोहराओ, क्यों? इसलिए अल्लाह मुत्तकीन का अमल कबूल करता है, तकवे वालों का अमल कबूल होता है। जो फासिक मौलन है उससे अजान दलवा रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दरवाजे पे मांगने वाला आया, आपने बेटे से कहा जाओ ये दिरहम उसे दे आओ। बेटे ने जाके मांगने वाले को दिरहम दिए, मांगने वाला दिरहम लेके चला गया। बेटे ने आके कहा अब्बा जी उस फकीर ने आपकी खैरात कबूल कर ली है। अब्दुल्ला बिन उमर रोने लगे, हजरत फारूक आजम के बेटे हैं, रोने लगे। बेटे ने कहा अब्बा जी रो क्यों रहे हैं? फरमाया रो इसलिए रहा हूं इसने तो कबूल कर लिया है, जिसके लिए दी है पता नहीं उसने भी कबूल की है या नहीं। और फिर ये आयत पढ़ी قال انما يتقبل الله من المتقين, जिसका एक अमल भी रब ने कबूल कर लिया है वो मुत्तकीन में शामिल हो गया है। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का फरमान है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं अगर मुझे आके कोई बताए, और ये जो मैं आपको सुना रहा हूं अब्दुल्ला बिन उमर या हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का फरमान, ये दोनों तफसीर मजहरी में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं अगर मुझे आके कोई खुशखबरी दे तेरा फलां अमल अल्लाह ने कबूल कर लिया है, सारी जमीन जितना सोना मुझे कोई दे, जितना जमीन का हजम है इतना सोना कोई मुझे दे, मेरा दिल खुश नहीं होगा। अगर कोई ये कह दे अल्लाह ने तेरा अमल कबूल कर लिया, मेरा दिल खुश हो जाएगा। अमल की कबूलियत की बशारत मुत्तकीन के लिए कुरान पाक में है। आए आज तौबा करके रब की बारगाह में इरादा करें, इंशाअल्लाह जिंदगी तकवा के साथ गुजारेंगे। हजरत जनाबे अब्दुल्ला बिन मुबारक उनका फरमान, हजरत इब्ने सीरीन उनका फरमान, कई बुजुर्गों का ये फरमान है, बेवकूफ है वो शख्स जिसे अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते का इल्म नहीं और फिर किसी से पूछता भी नहीं, वो बेवकूफ है। चलो रास्ते का इल्म नहीं कोई बात नहीं, जो राहदां हैं उनसे तो पूछ लो। हजरत इब्ने सीरीन या दीगर मशायख के फरामीन में है वो बेवकूफ है जो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं जानता और किसी से रास्ता पूछता भी नहीं। तीन गुजारशात मैंने आपके सामने पेश की हैं, इन पर अमल करके देखें फिर देखें जिंदगी कैसे बदलती है। रिज्क बतौर किफायत बकदरे किफायत काफी है, रिज्क के पीछे अपने औकात को बर्बाद ना करें। दूसरा, किसी की तरफ से कोई ज्यादती हो उसे अपनी जिंदगी का रोग ना बनाएं, माफ करना सीखें और आगे बढ़ जाएं। तीसरी बात, निगाह को पाक रखें, किरदार को पाक रखें। आज ऐसा जमाना आ गया निकाह हो गया है तो उसी वक्त वो दूल्हा दुल्हन हाथ पकड़ के बैठ गए, बेहयाई इंतहा को पहुंच गई, सबके सामने दुल्हा दुल्हन हाथ पकड़ के तस्वीरें बना रहे। आज अगर हम इस पर अपना फर्ज अदा नहीं करेंगे आने वाला दौर इससे भी सख्त होगा। तीन गुजारशात मैंने आपके सामने पेश की हैं, इन सब का खुलासा अल्लाह का जो मकाम है ना, अपने जेन में अल्लाह को वो मकाम दे दें, देखें कल ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हजरत क़िबला पीर सैयद उस्मान शाह साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा हम मुख्तसर जिक्र करेंगे और इज्तिमाई दुआ होगी। सिर्फ यकसुई हासिल करने के लिए, चूँकि उर्स की महफ़ल जो है ये तौबा की महफ़ल, नई ज़िंदगी शुरू करने की महफ़ल, और पिछले साल में आज हमें जो तोहफ़ा मिला है 22 अरब दुरूद शरीफ का, ये हमने ईसाल करना है। तो उससे पहले हम हसूल बरकत के लिए नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी
अल्लाह नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह नसीबा।